अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अते राज्यपाल ने पंजाब दे 8000 करोड़ रुपए तो वद रोक लाए ने ते ए जे पैसा है आया है हुंदा ता ओ तो हदियां किन्नियां सड़कां अते हस्पताल बन जांदे। इस दे नाल ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली दे लोकां ने आप नूं 7 दे विचों 7 सीटां देण दा फैसला कीता है। पंजाब दीआं 13 दे विचों 13 लोकसभा सीटां दे के भगवंत मान जी दे हथ मजबूत करो, फिर केंद्र सरकार अते राज्यपाल दी पंजाब दा पैसा जां कोई कम रोकण दी हिम्मत नहीं होवेगी। बिजली फ्री की हम लोगों ने 2 साल पहले जब सरकार बनी थी, ये पुराने कांग्रेस बीजेपी वाले अकाली दल वाले सब कहते थे सरकार घाटे में चल रही है, सरकार घाटे में चल रही है, सरकार घाटे में चल रही है। 2 साल से हमने कभी नहीं कहा सरकार घाटे में चल रही है, आपके सारे काम कर रहे हैं। पूरे पंजाब की बिजली मुफ्त कर दी और 24 घंटे बिजली कर दी। पहले 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। क्यों? हमारी नीयत साफ है, हमारी नीयत साफ है, हम पैसे नहीं खाते। वो सारे पहले पुराने वाली सरकारें सारे अपने घर भरने में लगे हुए थे। दोस्तों, अभी जैसे मान साहब ने बताया, पूरी शिद्दत के साथ, अच्छी नीयत के साथ 24 घंटे हम लोग लगे हुए हैं आपकी सेवा करने में, पंजाब सरकार चलाने में। बिजली ठीक कर दी, बिजली मुफ्त कर दी, स्कूल बना रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर, अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त कर दी, पूरे पंजाब के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, खूब काम हो रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार और गवर्नर मिलके आपके काम रोक रहे हैं, काम नहीं करने देते। ये हर काम रोकने की कोशिश करते हैं, हर काम रोकने की कोशिश करते हैं। इन्होंने 8000 करोड़ से ज्यादा पैसा, पंजाब सरकार का 8000 करोड़ से ज्यादा रुपया केंद्र सरकार ने और गवर्नर ने मिलकर आपका रोक लिया। दोस्तों सोचो, अगर ये 8000 करोड़ रुपया आ जाता, आपकी कितनी सड़कें बन जाती, कितने अस्पताल बन जाते, कितने काम हो जाते हैं। क्यों रोक रहे हैं ये लोग? पिछले साल विधानसभा का सत्र होना था, विधानसभा का सत्र नहीं होने दिया गवर्नर ने। और इस बार जैसे अभी मान साहब ने बताया, 26 जनवरी पे शहीद आजम भगत सिंह की झांकी निकलनी थी, झांकी नहीं निकलने दी इन्होंने। क्यों रोक रहे हैं पंजाब के लोगों के काम? क्योंकि इनको डर है कि अगर इतने काम कर दिए, इतने काम कर दिए तो आम आदमी पार्टी को कोई नहीं हिला पाएगा। इधर पंजाब में रोक रहे हैं, उधर दिल्ली के अंदर जो काम मैं करने की कोशिश करता हूं, एक काम नहीं करने देते ये लोग, एक काम नहीं करने देते। दोस्तों, दिल्ली के लोगों ने इस बार ठान लिया है, दिल्ली में 7 लोकसभा की सीट है। दिल्ली के लोगों ने ठान लिया, 7ों की 7ों सीट इस बार आम आदमी पार्टी को देंगे। आज मैं पंजाब के लोगों से पूछने आया हूं, अगर आपने 13 की 13 सीटें आम आदमी पार्टी को दे दी, मान साहब के हाथ मजबूत होंगे, खबरदार उसके बाद केंद्र सरकार की हिम्मत नहीं होगी आपके पैसे रोकने की, गवर्नर की हिम्मत नहीं होगी। दोनों हाथ खड़े करके बताओ, 13 सीटें दोगे नहीं दोगे पंजाब के लोगों? आम आदमी पार्टी को, झाड़ू को 13 की 13 सीटें दोगे नहीं दोगे? अगर आपने 13 की 13 सीटें दे दी, किसी की हिम्मत नहीं है, केंद्र सरकार की, गवर्नर की हिम्मत नहीं है जो आपके एक भी काम रोकेगा। आज खूब बड़ी स्पीड से काम हो रहे हैं, लेकिन अगर ये 13 सीटें आ गई तो आज अगर 100 की स्पीड पे काम हो रहा है, उसके बाद 500 की स्पीड पे काम होगा। दोस्तों, आपके सारे काम जितने बचे हुए हैं, आपकी बिजली फ्री की हम लोगों ने 2 साल